जगह ये फर्ज किया कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऐसे खसूसियत होती है कि जब ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऐसे एलिमेंट्स जो 82 से जिनका एटमी नंबर 82 से ज़्यादा हो वो उन्हें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और कुछ अनासर ऐसे होते हैं जिनका जो है एटमी नंबर 81 से लेकर 82 तक होते हैं, और 82 से जो ज़्यादा अनासर एटॉमिक नंबर वाले अनासर होते हैं वो खुद ब खुद शुआ खारिज करते रहते हैं। अब रदरफोर्ड के साथियों यानी बहुत से साइंसदानों ने तजर्बा किया, एक ब्लॉक शीशे का ब्लॉक लेकर उन्होंने उसके अंदर गहरा सुराख किया, उसके अंदर गहरा सुराख करके उन्होंने देखा कि चंद दिनों बाद उसके अंदर उसको ऐसे रखा कि ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेटें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेटों पर उसकी शुआएं अमूदी पड़ सके, यानी ऊपर से नीचे अमूदन रखा। और सर ये नतीजा फस हुआ, कुछ दिनों बाद जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेटों को डेवलप करके देखा तो उन्हें पता चला बाएं तरफ जो निशान थे उसने उन्हें अल्फा का नाम दिया। अल्फा शुआएं यानी ये तीन किस्म के ज़रात होते हैं या तीन किस्म की शुआएं खारिज होती हैं, और जो बाएं तरफ शुआएं हैं उन्हें अल्फा शुआओं का नाम दिया गया, जो दाएं तरफ शुआएं थी उन्हें बीटा शुआओं का नाम दिया गया, और जो दरमियान में शुआएं थी उन्हें गैमा रेज का नाम दिया गया। अब अल्फा बीटा और गैमा रेज की खसूसियात, अल्फा रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स पर असरअंदाज होती हैं, और अल्फा रेज रोशनी की रफ्तार इनमें रोशनी की रफ्तार 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 होती है, और इनमें रोशनी की रफ्तार ज़्यादा होती है। और अल्फा रेज पर चूँकि अल्फा रेज गुजरते हुए अल्फा रेज मनफी पोल की तरफ मुड़ जाती हैं, इसे जाहिर होता है कि इन पर मस्बत चार्ज होता है, और जो बीटा रेज हैं वो मस्बत कुतुब की तरफ झुक जाती हैं, इसे जाहिर होता है कि उन पर मनफी चार्ज है, और गैमा रेज सीधी गुजर जाती हैं तो इसका मतलब है कि गैमा रेज जो है वो न्यूट्रल है। और अल्फा रेज में यूरेनियम की रेंज 2.7 और थोरियम की रेंज 8.6 है, 2.7 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर है, और अल्फा रेज जो है वो बहुत ज़्यादा मोटाई की दांतों में से नहीं गुजर सकती,